महानगर में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन पर तंज कसा। एक कहता था 75 पार, एक कहता था बीजेपी को करेंगे यमुना पार। चुनाव का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। प्रदेश में खुले भ्रष्टाचार का तमाशा को रहा के दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार, दिया था कि नहीं दिया था 75 पार नारा, और जेजेपी ने नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। और अब कहते हैं जेजेपी वाले नहीं नहीं याद आई है उनको, 4 साल के बाद याद आई है। मैं देख रहा था बयान जेजेपी के संस्थापकों का, उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है कि हमारा मन था, हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई, 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, हर आदमी की जबान पे हुड्डा साहब का नाम आ गया, तो आपको आज हमारी याद आ गई। अब लोगों ने आपको रिजेक्ट कराया तो अब याद आ रही है कि मन था। वोट की चोट से लोग विश्वासघात का जवाब देंगे। भ्रष्टाचार हरियाणा तक ही नहीं, आज हरियाणा से लेकर दिल्ली तक खुला भ्रष्टाचार का तमाशा। बड़े उद्योगपति समूह, एक ऐसा उद्योगपति समूह जिसको भाजपा की सरकारें झोंक दी गई, हरियाणा की सरकार ने भी बिजली का जो हमारा करार था उसको बदल के उस समूह को लाभ पहुंचाने का काम किया। और जब बात राहुल गांधी जी ने उठाई तो राहुल गांधी जी की बात को कुचलने के लिए, बात को दबाने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भाजपा के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करना क्या राष्ट्रहित नहीं है? क्या देश इसमें बीजेपी की भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।